दोस्तों पैंट काटना सीखना है ना, तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ये देखिए मेजरमेंट है, लंबाई है 36 इंच, कमर है 28.5 इंच, हिप है 32 इंच और लटक है 22.5 इंच और जांग है 19 इंच और मोरी है 11.5 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर से एक सीधा निशान इस तरीके से आपको लगा लेना है। इसके बाद जो है इंची टेप को वहाँ रखना है और लंबाई लूज पैंट में 1 इंची 1.25 इंची माइनस करके लगाना है। ठीक है, लंबाई और ये नैरो पैंट है, एंकर लेंथ है, तो जितना लंबाई है उतना ही मार्क लगाएंगे, यानी कि 36 है तो 36 पर लगाएंगे, उसका आधा करेंगे, उसके बाद 2.5 इंच नीचा करके मार्क लगा देंगे, ये घुटने का मार्क होता है। ठीक है, तो 36 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 17, और 17 में 2.5 इंच प्लस करेंगे, जितना आएगा उतना भी घुटने का मार्क लग जाएगा। इसके बाद ये देखिए लटक, लटक 22.5 आ रहा है, तब हिप का चौथाई भाग भी रख सकते हो। ये देखिए 11.5 पर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 22.5, इसमें से 2.5 इंची माइनस करके इस तरीके से आपको निशान लगा देना है। ठीक है, ये हो गया आपका लटक, मेजरमेंट के अनुसार ये हम लगाए हैं। इसके बाद जो है जितना निशान है उस निशान को हम दोहरिया देंगे ताकि सीधा निशान हम लगा सके। ये देखिए अब जो है सीधा निशान इस तरीके से, स्टेट स्केल इसका नाम है, तो स्टेट स्केल के द्वारा आपके जितने मार्क है ना सबको सीधा कर लेना है। और ये देखिए इसका देखेंगे अब लटक हिप के अनुसार तो 8 4 32 8 आ रहा है। ठीक है, तो 8 आ रहा है तो 8 नहीं रखेंगे, क्यों दोस्त? क्योंकि इस ये ऊपर से चहरा के पहनता है, तो इसके लिए मेजरमेंट परफेक्ट है, तो इसीलिए मेजरमेंट के द्वारा। हर वीडियो में एक चीज़ बोलते हैं हम कि अगर आपका छूट जाए मेजरमेंट लटक का, तब तो हिप का चौथाई भाग आप रख सकते हो। ठीक है, और वो भी ऊपर चढ़ा के पहनता है तो 1/2 इंच नीचे लगा के मार्क लगा ली। ये देखिए 1 इंच का ये मार्क लगा है। इसके बाद ये जांग जितना है 19 इंची जांग है, तो ये देखिए 19 यानी कि 9.5 इस तरीके से मार्क लगाना है, 1.5 इंची पीछा करके ये हम मार्क एक लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए बीच सेंटर में एक इस तरीके से लगा देंगे, और यहाँ से देखेंगे जो 1.5 इंच माइनस के वहाँ से किनारे पीस कितना आ रहा है उतना ही इस तरीके से, अगर कमर कम है तो इस तरीके, ज़्यादा है कम है तो इस तरीके से 2 सूत कम करके मार्का लगा लेते हैं। ये देखिए कमर का हम मार्का लगा रहे हैं, कमर का चौथाई भाग ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाए हैं सिलाई के मार्जिन के लिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से सीधा निशान ये लगा देंगे, और ये फ्लाई के लिए राउंड कर लेंगे, ये फ्लाई राउंड। ठीक है, इसके बाद जो है ऊपर से 1 इंची डाउन करेंगे। ठीक है, 1 इंची डाउन करेंगे। अब ये मेरा स्केल है, इसको सेप स्केल बोलते हैं, तो ये देखिए जांग से लेके कमर तक इस तरीके से सेप कर लेना है, ऊपर जो डाउन किए हैं उसको भी इस तरीके से सेप कर लेना है। इसके बाद जो है पॉकेट यहाँ हम बनाएंगे दोस्त, 1 इंची डाउन किया पॉकेट बनाएंगे, 2.5 इंची इधर से, और इधर से जो है 7 इंच 7.5 इंच इस तरीके से मार्का लगाएंगे, 1 3 इंची का मार्का लगाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से हल्का सा क्रॉस करेंगे, ये मेरा तिरछा पॉकेट यानी कि क्रॉस पॉकेट बन जाएगा। और यहाँ पे मोबाइल पॉकेट चिलर पॉकेट बनता है, तो उसका भी इस तरीके से हम मार्कर लगा लेते हैं ताकि कारीगर को भी दे तो वो पॉकेट ये बना सके। ठीक है, मेरे फिटिंग पैंट में हर ये चिलर पॉकेट मोबाइल पॉकेट बनता है। ये देखिए 20 सेंटर जितना है 20 सेंटर का इस तरीके से निकालेंगे किनारे पीस, और ये घुटने के पास भी लगाएंगे और मोहरी के पास भी लगाएंगे, जितने का 20 सेंटर है ना, जितना 20 सेंटर आया है उतना ही घुटने के पास मोहरी के पास लगा लेंगे। ठीक है, और इसको स्ट्रेट करना चाहे तो ये स्ट्रेट कर सकते हैं, नहीं तो इसी मार्का पे आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं, लेकिन ये निशान हम लगा दे रहे हैं ताकि आपको देखने में भी अच्छा होगा और समझ में भी आएगा। मोहरी है 11.5, तो देखिए 11.5 के लिए आधा 50-50 दो भाग कर लेना है। ठीक है, ये देखिए दो भाग करके आधा आधा निशान लगा लेना है, और दो भाग घुटने पर भी करना है, जितना घुटना है दो भाग घुटने में भी करना है, लेकिन हम इसमें घुटना नहीं लिखे हुए थे। ठीक है, लेकिन ये देखिए घुटना इसका 15.5 है, तो 15.5 का आधा आधा इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, चार भाग आधा आधा किया जाता है। ये देखिए ये मेरा सेब स्केल है, इसको लेग स्केल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हम फॉर्मूला आप सभी को बता रहे हैं, और पूरा एग्जैक्ट मेजरमेंट के अनुसार हर चीज़ सीखना है तो इसका दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम फार्मूला यानी कि पैंट काटने का तरीका को हम बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी साइज आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हो, नहीं तो बोलोगे कि सर जैसे कि घुटना है 15.5 तक कितना कितना मार्का लगाए वो चीज़ बताएंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा और फार्मूला को नहीं बता पाएंगे। इसमें सिर्फ फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से निशान लगा लेना है। ठीक है, अब यहाँ से इस तरीके से इसको निशान लगा लेना है। देखिए हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो ये मेरा मिल जाएगा। अब इसको इस तरीके से निशान लगा लेना है,
तो ये हम फार्मूला सिर्फ आप सभी बता रहे हैं। तो ये फ्रंट पल्ला का फार्मूला हम इसके अनुसार ये मार्कर लगा चुके हैं। अब इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। कटिंग करने के बाद आपको बैक पल्ला में, जैसे कि फ्रंट में 1 इंच डाउन किए हैं तो बैक में कितना उठाना है वो पूरा देखिएगा। ये आप दर्शा देते हैं कस्टमर का कपड़ा कभी मिसिंग ना हो, अच्छे तरीके से मिल जाए। तो अब जो है इसको हम इस तरीके से इधर से जैसे मार्का है ना सेम उसी मार्का के ऊपर कटिंग करना है, ठीक है। तो ये देखिए उसी मार्का के ऊपर हमने कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए कटिंग करने के बाद आपको बैक वाला भी कटिंग करना होता है, तो जिस तरीके से कटिंग कर रहे हैं उसी तरीके से कटिंग आपको कर लेना है। ये 1 इंच डाउन किए थे उसको कटिंग किए हैं, और यहाँ से फ्लाई को राउंड करके इस पल्ला को भी इस तरीके से कटिंग कर लिया। फ्रंट पल्ला मेरा कटिंग हो चुका है। मोहरी पे कुटका लगा ले, पॉकेट के पास कुटका लगा ले, और ताकि बैक पल्ला में भी यह दूसरा पल्ला है उसको भी पता चले। अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पलट के इसको अच्छे तरीके से सरिया लेना है, क्योंकि बैक पल्ला कटिंग करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा साफ़ सुथरा सरिया लेना है। अगर ज़्यादा घिंचुराया हुआ है तो प्रेस कर ले ताकि अच्छे तरीके से सेट हो सके। और इसको इस तरीके से स्ट्रेट यानी कि सीधा रखना है, ठीक है, बिल्कुल सीधा रखना है, तिरछा नहीं रखना है। और जितना इसमें निशान दिख रहा है ना, उस निशान को आपको क्या करना है कि सीधा निशान लगा लेना है बैक पल्ला कटिंग करने के लिए। ये देखिए ये मेरा टोटल मार्कर लग चुका है। ये जांघ के पास 1.25 इंच एक एक्स्ट्रा निशान लगता है। अब जांघ का फॉर्मूला समझिए कि कितना लूजिंग दिया जाता है एग्जैक्ट, ठीक है। थाई के पास आप 2.25 इंच से 2.5 इंच दे सकते हो, ठेहुना के पास 2.25 इंच से 2 इंच दे सकते हो, और मोहरी के पास 1.25 इंच से 1.5 इंच तक देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर जांघ में 2.5 इंच दे रहे हो तो 1/2 इंच कम करके ठेहुना में दे दो, वहाँ से 1/2 इंच कम करके मोहरी में दे दो, ठीक है मार्का। और इसको स्केल को इस तरीके से भाई तीनों मार्का को छूते हुए इस तरीके से आप निशान लगा लो। कटिंग के समय 1 इंच बढ़ाकर कटिंग किया जाता है ताकि जांघ में ठेहुना मोहरी में टाइट हो तो उसको लूज कर सके, परफेक्ट। तो ये देखिए 1 इंची का इस तरीके से आप निशान लगाना चाहो तो लगा सकते हो, 1/2 इंची का भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। जितना मार्जिन देना चाहते हो उतना मार्जिन आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको 1.5 इंची 1 इंच देना है, ज़्यादा देर भी चाहते हो ज़्यादा भी दे सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है कि ये देखिए अब यहाँ पे आते हैं, सबसे ऊपर एक सीधा निशान लगा लेना है, 1/2 इंच बढ़ा कर निशान लगा लेना है, और इसको देखिए 1 इंच डाउन किए थे, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर उठा के एक निशान लगाए। बैक पल्ला में 1.5 इंच उठाकर निशान लगाना है, और ये जो स्केल है यहाँ से इस तरीके से मिला लेना है। निशान कंप्लीट हो गया। अब कमर देखिए 28.5 है, तो 28.5 का चौथाई भाग 1/2 इंच आगे जो मार्का लगाया वहाँ से मेजरमेंट करेंगे, 27.5, और इसमें 1 बढ़ा देंगे तो 28.5 हो जाएगा। और ये 1 इंची टेकिंग के लिए दिए हैं, ये 2.5 इंची कमर को कम बेसी करने के लिए मार्का दिए हैं, ठीक है। अब यह हिप को समझिए, हिप इसका जो है 32 है, तो देखिए 1/2 इंची निशान आगे लगाए हैं, वहाँ से 28.5 का एक निशान लगाना है, 28.5। इसमें लूजिंग के लिए 1/2 इंच फिटिंग के लिए 1/2 इंच लूज के लिए 1 इंच का मार्का लगाते हैं, तो 1/2 इंच का मार्का लगा के इसको इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इसको इस तरीके से राउंड कर लेना है, ये नीचे राउंड जाएगा, इस पर मेरा सिलाई चलेगा, और ये जो निशान लग रहा है ये मेरा कटिंग होगा इस पर। तो देखिए मार्का बैक पल्ला का कम्प्लीट हो चुका है। अब इसको हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग कैसे करना है आप देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और आपको जहाँ पे समझ में नहीं आया, कुछ त्रुटि लग रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ओके। और इसके बाद जो भी वीडियो चाह रहे हैं आप तो कमेंट कर सकते हो, या जो भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप सर्च बार में जाओ, वहाँ से सर्च करो, जैसे कि फिटिंग शॉर्ट कटिंग RS फैशन, फिटिंग पैंट कटिंग RS फैशन, कोट कटिंग RS फैशन, कोट स्टिचिंग RS फैशन, यानी कि कुछ भी सर्च करो उसमें RS फैशन डिजाइनर लगा दोगे तो मेरा ही वीडियो आएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हो, सीख सकते हो। और आपको सामान चाहिए जैसे कि कैंची चाहिए, स्केल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक से। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।